एक बच्चा जो रात के 3 बजे अपने आप बड़ा होने लगता है, उसके हाथ पर इतने बड़े होने लगते हैं कि वो उस कपड़े में भी नहीं समा दे। जी हाँ, ये वही वीडियो क्लिप है वही बच्चे का। ये बच्चा कम और राक्षस ज़्यादा लगता है। ये दो लोग इस घर में रुकने वाले हैं जहाँ पर ये बच्चा रहता है, और उसकी पूरी एक्टिविटी को कैमरे में रिकॉर्ड करने वाले हैं। वही कैमरे में रिकॉर्ड वीडियोज एंड फोटोज को इस वीडियो में देखेंगे और पूरे एनालाइज करेंगे, तो सच में ये वीडियो बहुत ही क्रीपी होने वाली है। अब ये दो लोग उस हॉन्टेड हाउस में जाने वाले हैं। ये लोग पूरे घर में सीसीटीवी इंस्टॉल कर दिए, जहां पर हर एक कमरे की फुटेज आ रही है। पहले फुटेज है जहां पर ये दोनों लोग रुकने वाले हैं, और दूसरी फुटेज है जहां पर वो बच्चा सोने वाला है जो कि रात में अपने आप बड़ा होने लगता है। तीसरी फुटेज जो कि उस बच्चे की माँ की कमरे की है। रात का समय है, सब लोग अपने अपने कमरे में सोने गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने खतरनाक जगह में जाने के बाद भी किसी को कैसे नींद आ सकती है। आप सोचो कि आपके बगल वाले कमरे में एक ऐसा बच्चा सोता है जो कि रात को भूत बन जाता है, और ये लोग आराम से सो रहे हैं। ये जो फुटेज है बच्चे की कमरे की है, आप इसकी आवाज़ को सुनो और कैसे इसके हाथ पर बड़े होने लगते हैं। जो भी है, रियल या फेक, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये कमरे से बाहर आ रहा है, आप इनकी आवाज़ को सुनो कितनी डरावनी है। ये तो कहीं से बच्चा लग ही नहीं रहा, ये तो पूरा का पूरा राक्षस है। और ये दो लोग मस्त से आराम कर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम यहाँ जाँच करने आए हैं। उठो भाई, वो अपने माँ के कमरे में घुस गया। उसके माँ को भी पता नहीं चला कि वो कमरे के अंदर आ चुका है। उसके मुंह से इतनी लंबी जीभ निकला और वो खून चूस रहा है, जैसे वैम्पायर करते हैं ना, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये जो दो लोग हैं जो कि सोते रहते हैं, वो और एक रात इस घर में रुकने वाले हैं, लेकिन ये बच्चा रात को सोता नहीं, रात भर जगता रहता है। और ये कितना डरावना लगता है कैमरे में देखते हुए। इसके लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ये लोग तो नींद को छोड़ नहीं सकते, इसलिए माँ के कमरे को लॉक कर देते हैं और कुर्सी भी फंसा देते हैं। अब ये जो भी वैम्पायर है या राक्षस के लोग, वो दरवाजे में जोर जोर से सर को मारने लगता है, फिर भी लोगों को कुछ पता नहीं चलता, बस ये लोग सोते रहते हैं। ये जो भी वैम्पायर है वो सर से मार मार के दरवाजे को छेद कर देते हैं, और छेद के अंदर अपना सिर डाल देते हैं, जो कि बहुत ही डरावना दृश्य है। ये लोग अब भागते हुए जा रहे हैं। इन लोगों के हाथ में कैमरा के अलावा कोई भी वेपन्स नहीं है। ये लोग कैसे उस औरत को बचाने वाले हैं? और ये फाइनली भाग जाता है जो भी वैम्पायर या राक्षस के लोग। इन लोगों ने उस औरत को बहुत ढूंढा, वो नहीं मिले तो उसके सिस्टर को ये लोग कॉन्टेक्ट किए, और वो बताई कि ये जो बच्चा था जिसका नाम था टॉमी, जो कि रात में बड़ा हो जाता था, तो उसकी सिस्टर ने बताया कि टॉमी 1 साल पहले मर चुका था। अगर टॉमी 1 साल पहले मर चुका था तो उसकी माँ ने इन दोनों को ईमेल करके क्यों बुलाया? मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने सर्बियन डांस लेडी के बारे में भी वीडियो बनाई है, जो कि साइड में आ रहा हो तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हो। Thank you.